लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। ये क्या सर, आप हम लोगों पर शक कर रहे हैं? ये तो हमारी बेइज्जती है सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन्स लॉ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी अपने टीचर्स को किसी ना किसी तरह तंग किया करता था, तो मैंने सोचा कहीं तुम लोग भी मेरे साथ वही ना करो, इसलिए मैं अपनी तसल्ली कर रहा था। कुर्सी की टांगे तोड़कर टीचर को गिराने का तरीका तो बहुत पुराना हो गया है सर। आजकल तो ये सब केजी में होता है, हम लोगों का लेवल तो कुछ और है सर। इसका मतलब तुम लोगों ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा है। ये क्या सर, आप तो पहले से ही डर गए। घबराइए मत, बैठ जाइए। थैंक्स। प्रिंसिपल साहब ने तुम लोगों को मेरे बारे में बता ही दिया होगा, अब मैं तुम लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? आप ही का नाम है सर, अजय। गुड, फिर तो तुम काफी होशियार होगे। हाँ हाँ, बाकी सब मामलों में, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर हूँ। नेक्स्ट। पांडे, चंकी पांडे। चंकी। नेक्स्ट। गोविंदा सर। गोविंदा। नेक्स्ट। शिल्पा। तुम लोगों के नाम सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लासरूम में नहीं सिनेमा घर में बैठा हूँ। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आई एम सॉरी, ये मेरा पीरियड है। आपको गलतफहमी हुई है, टाइम टेबल के हिसाब से मेरी क्लास है। लगता है आप आज ही नए नए आए हैं। हो सकता है आपको जो टाइम टेबल मिला है उसमें कोई प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो, मगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, ये इंग्लिश पीरियड है। क्यों अजय? हाँ सर, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से भी ये इंग्लिश पीरियड ही है, मगर मुझे लगता है टाइम टेबल कुछ बदल गया है। अच्छा होगा अगर आप ऑफिस जाकर चेक कर लें। क्या कहा आपने, मैं जाकर चेक करूं? देखिए, मैं स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूं और आप आज ही आए हैं। मैं सीनियर हूं और आप जूनियर, इसलिए आप जाकर चेक कीजिए। मगर प्रिंसिपल साहब ने। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। एक्सक्यूज मी, आपका नाम? जया। सॉरी जया जी, सॉरी स्टूडेंट्स। इट्स ओके सर, इट्स ओके। अजय बाबू, हमारा कैलकुलेशन कहता है कि आप जिस क्लास में गए थे वो क्लास भी करंट थी और आपका पीरियड भी करंट था। फिर वो टीचर कौन थी? टीचर नहीं जया, स्टूडेंट। स्टूडेंट? बहुत ही नॉटी स्टूडेंट। हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई लिखाई में नंबर वन, खेल कूद में नंबर वन और रैगिंग में भी नंबर वन। अरे टीचर को क्लास से निकाल देती है। अच्छे बाबू। जब तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों का लेवल कुछ और है, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, धोखा खा गया। खैर, तुम लोगों में से जया कौन है? गुड मॉर्निंग सर, एंड आई एम सॉरी। गेट अप, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? और सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सोचकर तुमने यह हरकत की, बोलो। आप ही ने तो कहा था सर, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ। अपने आप को बहुत होशियार और अकलमंद समझती हो। मुझे पता है तुम पढ़ाई लिखाई खेलकूद बाकी सब चीजों में नंबर वन हो, मगर डिसिप्लिन में वर्स्ट हो। बस यही एक बुराई है जो तुम्हारी सारी खूबियों को ढकने के लिए काफी है। गलती हो गई सर, मगर इन सब ने मुझसे ये शर्त लगाई थी कि मैं नए टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकती, इसीलिए मैंने। हम हिंदुस्तानी और अंग्रेजों के बीच में सिर्फ यही एक फर्क है, अगर उन्हें कांटा चुभ जाए तो वो कहेंगे आई स्टेप्ड ऑन द थॉर्न, मेरा पैर कांटे पर पड़ गया, और इसी बात को हम हिंदुस्तानी कहेंगे कांटा मुझे चुभ गया, जैसे कि कांटा खुद चलकर आया हो और पैरों में चुभ गया। तुम अपनी गलती दूसरे पर थोप रही हो। वाह सर, क्या मिसाल दी है, सीधे दिल में चुभ गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं सर, ये तो आपकी तारीफ कर रही है। शट अप, शट अप। अजय, हमार बचपन का दोस्त, कैसन है रे तू, कैसन है? अरे ये आके फाड़ फाड़ के कहा देखत हो, हमका पहचाना नहीं, हम तुहार बचपन का दोस्त है शगुन। अरे जया, ये जो हमारा नया टीचर आया है ना, ये हमारे बचपन का आऊ है। कहा है आऊ। एक ही क्लास में हम दोनों पढ़त रहे, लेकिन वो कहा है कि हम फेविकोल की तरह ही यहाँ चिपक के रहेंगे, और ये सुसरा पढ़त पढ़त आज हमारा टीचर बनकर यही है। शगुन अपनी जगह पर जा। अरे हमका बोलने दे, का बोलने पे इनकम टैक्स है का?
अरे तुम लोग जाना तो एक दिन कहा हुआ? कहा हुआ? ई लड़कियन को छेड़ने के इरादे से ऊ का पास गया, लेकिन मामला उल्टा, लड़कियन ने एक का छेड़ के एक को वापस भेज दिया। शगुन, शगुन। अरे जाना तो क्यों? क्योंकि ऊ बखत ई बहुत आऊ था। कहा था शगुन, कुछ दिमाग नाम की चीज है या नहीं? मैं यहाँ का टीचर हूँ और तुम मेरा स्टूडेंट, इज्जत तो तमीज से बात करो। अच्छा, बचपन में तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे कि तू हमार दोस्त है, हमार जान है, तू हम तो हाल ये कुछ भी कर सकत है, और आज हमका हमका तमीज और इज्जत सिखावत हो। शट अप, अपनी जगह पर बैठो, बैठो वहां। अपनी जगह जाके बैठो वहां। जायत है तू कही तो हम जायत है, लेकिन हमका तुझसे ये उम्मीद ना ही थी। अरे भूल गया वो दिन जब स्कूल के बाद चने खाकर घर को जाया करता था। अरे गुल्ली डंडा कंचे पतंग का साथ था हमार, और ये एक ही झटके में सब कुछ तोड़ दियो। छोड़ो मामा, शांत हो जाओ। अरे कैसे छोड़ू भांजा, हमार दिल दिखवाया ही। आज मैं तुम लोगों को लिटरेचर में एक, तुम खड़ी क्यों हो गई? बेल सर। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, कम से कम एक लाइन तो पढ़ाऊंगा, बैठ जाओ। सर, गेम्स पीरियड। जया, गर्ल्स बॉयज, अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे मालूम है ये खूबसूरत पेंटिंग किसने बनाई है, लेकिन आज बेकार की बातों में बहस करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अपनी किताब देना। ये लीजिए सर। मुझे तुम्हारी किताब नहीं चाहिए। तू बैठ। मेरी किताब में कोई नुक्स है सर? बस नहीं चाहिए, कह दिया ना। आप हरी क्लास में मेरी इंसल्ट कर रहे हैं सर, आपको वजह बतानी होगी, आखिर आपको मेरी किताब क्यों नहीं चाहिए? मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता, जो अपनी सीट पर जाकर बैठो। अरे ओ अजय, हमार मतलब है सर, कल तुमने किताब खोली तो घंटी बज गई। आज कहीं ऐसा ना हो कि किताब ही ना खोले और आउ हो जाए, का हो जाए। हाँ, ई माफिक तुम झगड़ते रहोगे तो हमका पढ़ाओगे कब? भाई हमार पढ़ाई का नुकसान होता है ना। मुझे पता है तुम्हें पढ़ाई का कितना शौक है शगुन, अपनी सीट पर बैठ जाओ तुम भी। मामा आओ। आओ। लो अपनी किताब दो। थैंक यू सर। औरत, औरत के बारे में आज मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। जानते हो औरत औरत कब कहलाती है? वैसे यह है तो बहुत ही बेतुका सवाल, लेकिन इट इज वेरी वेरी स्टैंड अप, स्टैंड अप। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया है सर? तुम्हारी ये हरकत देखकर ही तुमसे पूछा हूं मैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, जब से आए हैं मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। ए अजय। यस जया। अगर किसी वजह से तुम्हारे होठ सूख जाए तो तुम क्या करोगे, जरा करके बताओ। हाँ, और तुम नीलम, और तुम सब लोग जरा करके बताओ। अगर मैंने ऐसे किया तो ये मुझे क्यों डांट रहे हैं? सर आप ही कर रहे हैं। देखो जया, तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, तुम हर सब्जेक्ट में नंबर वन हो, लेकिन मेरा स्कूल में दूसरा दिन है, मुझे एक लेसन तो पढ़ाने दो। तो मैंने कब रोका है सर, पढ़ाइए। आज मैं सबसे पहले तुम्हें शगुन। अरे का हुआ मामा, इस सड़े हुए तबेले की भैंस की तरह काहे बैठे हो? अब क्या बताए भांजे, आज हम क्लास में सो गए थे ना, उस सुसरे मास्टर आजय ने हमका एक हफ्ते के लिए बेंच पर खड़ा होने की सजा दी है। अब हमारे चट्टी छोटी छोकरिया के सामने शर्म लागत है ना, नीचे से सब आऊ, हम क्लास में नहीं जाऊंगा। अरे घबराते काहे हो मामा, हम तुमका ऐसे तरकीब बताऊंगा। अरे तने कान तो यहां लाओ।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। कल मैंने गधे को बेंच पर खड़े होने के लिए कहा था, लगता है भूल गया। शगुन नीचे उतरो। तुम्हार हुक्म ही तो पूरा कर रहे हैं सर, तुमने कहा कि खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना नीचे उतरो, इधर आओ। ये क्लास में कच्चा पहनकर आने की क्या जरूरत है? वो क्या है सर, आज गेम्स पीरियड है ना, इसलिए छक्का। गेम्स पीरियड सबका, ये सब तो कच्चा पहनकर नहीं आया, तुम क्या स्पेशल हो? सर हमें खेलने में बहुत तकलीफ होती है ना, अपने आराम के लिए हम ये कच्चा पहने हैं। तो मेरे आराम के लिए एक काम करो, 7 दिन तक स्कूल में नजर मत आना। नाउ गेट आउट। अजय हमार बात सुन। गेट आउट। व्हाट व्हाट, नाउ ओपन योर बुक्स। सुंदरकांड, सुंदर हनुमान जी का दूसरा नाम भी है, इसलिए इसमें हनुमान जी के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। चाहे आज से इस क्लास में या तुम रहोगी या मैं, बोलो बाहर कौन जाएगा? सर आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ही चली जाती हूँ। सर प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सलाम सलाम मिस्टर अजय, डीओ साहब है आप? मिस्टर अजय। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर वो सुंदरकांड पढ़ा रहा था सबको। कुछ पूछ सकता हूँ इनसे? सर इस विषय में अभी अभी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा। What is सुंदरकांड? आप में से कोई बता सकता है? सर? Yes. दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने आप को भ्रम से बचा सके, और जब इंसान को भ्रम हो जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता है। सुंदरकांड की शुरुआत में रामचंद्र जी को याद करते हुए अशोका वाटिका में माता सीता रोने लगती है। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता जी के बारे में सोचते हैं कि वो कैसी होगी और कहाँ होगी, और इसी सोच में जंगल में भटकते हुए वो भी रोने लगते हैं। ठीक उसी समय राम भक्त हनुमान माता सीता से अशोका वाटिका में मिलकर उन्हें श्रीराम की मुद्रिका देते हैं। माता सीता मुद्रिका देखते ही अपने भ्रम से मुक्ति पा लेती है और उन्हें फौरन एक दूसरा भ्रम सताने लगता है। क्या वो दोबारा श्रीराम के दर्शन कर पाएंगी या नहीं? ठीक उसी तरह जब राम भक्त हनुमान वापस लौटकर श्रीराम को सीता जी के बारे में बताते हैं तो उन्हें भी अपने भ्रम से मुक्ति मिलती है और उन्हें फौरन एक दूसरा भ्रम जकड़ लेता है कि सीता जी से उनकी भेंट हो पाएंगी या नहीं। श्री राम और सीता जी को लगे इस भ्रम से छुटकारा दिलाने वाला ही सुंदरकांड है। बस सर, हमारे टीचर ने हमें यहाँ तक ही पढ़ाया है। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, कितनी खूबसूरती से बच्चों को समझाया है। आई एम वेरी हैप्पी, यू आर रियली अ गुड टीचर। एक्सीलेंट, आई मस्ट से गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, बहुत गुड। चलिए सर, अब भी मेरा बाहर जाना जरूरी है या? थैंक यू।